चलो बेटा अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बहुत अच्छे से एक एक चीज को क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, एज यूजुअल आपको मार्किंग करनी है, ठीक है? हमें क्या बनाना है देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी एज ऑन 31 मार्च 2019। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमेशा आपको मालूम है, फ्रॉम द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो चलो सीधे आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 इज 20,000। तो ये पिछले साल की बात कर रहा है, मतलब ये पिछले साल का एसेट है, तो इट विल अपियर इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? अब आइए एंड ऑन 31 मार्च 2019 इज 15,000, सो दिस विल अपियर इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाँ या ना, क्लियर है? चल तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2019, अच्छा एक मिनट यहाँ पे रुक जाते हैं। ये सब्सक्रिप्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सब्सक्रिप्शन में ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे मार्किंग कर देना, यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूँ। मार्किंग इसलिए ताकि याद रहे कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, क्या है वो अपन आगे देख लेंगे। ऑन 31 मार्च 2019 सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो ये एट द एंड ऑफ ईयर कह रहा है, तो ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। और एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ध्यान देना ये, क्योंकि दिखेगा ही नहीं, नहीं तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है? ये हाँ, तो ये केवल और केवल यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बल्कि ये देखो आप, ये सैलरीज में भी एडजस्टमेंट होगा। क्लियर है? उसके बाद है एंड 1 month रेंट पेड इन एडवांस, तो ये ले लो भाई प्रीपेड रेंट, तो ये भी आपका आ गया किसमें, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है? चल क्लियर है ना? मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नया नहीं है, सब नोन पॉइंट्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 सोसाइटी ओन फर्नीचर, तो भैया ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है? ध्यान देना हमारे पास थे। अब देखना ये पड़ेगा कि ये फर्नीचर और ये बुक्स जो हैं ये अभी भी हैं एट द एंड ऑफ ईयर की नहीं है, या फिर हमने और खरीदा हो, तो आपको देखना पड़ेगा। कहाँ से पता चलेगा, रिसिट एंड पेमेंट से पता चलेगा ना, गेटिंग माय पॉइंट? ये फर्नीचर और ये बुक्स, इनको लेकर आगे क्या किया है इस साल में, हमने और खरीदे बेचे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी रिसिट एंड पेमेंट से। तो लेट्स सी एक बार रिसिट एंड पेमेंट में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो रिसिट साइड में, रिसिट साइड में कहाँ से आएगा वो भी समझ लो। मान लो कोई फर्नीचर बेच दिया तो पैसा आएगा कहाँ, रिफ्लेक्ट होगा रिसिट साइड में। कोई फर्नीचर और खरीदा तो किधर रिफ्लेक्ट होगा, पेमेंट साइड में। वेरी वेरी सिंपल, गेटिंग माई पॉइंट? चलो तो यहाँ पे आ जाओ, अब मैं सीधे इधर आता हूँ और हम यहाँ पे बराबर पूरी मार्किंग भी करते चलते हैं। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है कैश और बैंक के, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि दिस अपियर्स इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है? हाँ अब आ जाओ सब्सक्रिप्शन। बेटा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, ये 17-18 का सब्सक्रिप्शन हमको मिला है, 17-18 का सब्सक्रिप्शन हमको मिला है। पे अटेंशन, सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया है, यदि आपको कैलकुलेट करना हो इस साल का सब्सक्रिप्शन, तो हमारे पास दो तरीके रहते हैं। एक होता है आप सिंपल सा वर्किंग नोट दे दो, दूसरा अकाउंट बनाओ। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों करके बता देता हूँ कि आपको किसी भी मेथड से करना हो, चाहे वर्किंग नोट दे के करना हो, चाहे अकाउंट बना के करना हो, दोनों तरीके से आपको बनना चाहिए, ठीक है? मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल को अगर एग्जाम में आ जाता है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो भी आपको बनना चाहिए। क्लियर है? ध्यान देना। तो पहले मैं लॉजिकली समझाता हूं, फिर अपन अकाउंट के हेल्प से भी समझेंगे, क्योंकि दोनों का तरीका अलग-अलग है। देखो सबसे पहले समझने वाली बात यहां पे यह है कि आपको पिछले साल का 12,000 सब्सक्रिप्शन मिला है, तो पिछले साल का भाई लेना कितना था, ये देखो पिछले साल का ये लिखा हुआ है, 20,000 लेना था,
जिसमें से मिल गया कितना, 12,000। तो इसका मतलब है कि 8,000 अभी भी लेना बाकी है, हाँ या ना? 8,000 अभी भी पिछले साल का लेना बाकी है। अच्छा, इस साल के अंत में टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? देखो यहाँ पे ये दिख रहा है 15,000 टोटल। टोटल केस को मैं कह रहा हूँ भाई, पिछले साल का, इस साल का, दोनों को मिला के मैं कह रहा हूँ टोटल। तो 15,000 अगर इस साल के अंत में है, तो इसमें से 15,000 में से पिछले साल का कितना है? तो बेटा पिछले साल का अभी अभी तो अपन ने चर्चा की, पिछले साल का अभी भी 8,000 रुपये लेना बाकी है। अगर इस 15,000 में से 8,000 रुपये पिछले साल का लेना बाकी है, तो इस साल का कितना हुआ? इस साल का हुआ बेटा 7,000, हाँ या ना? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, लेक्चर पॉज करो, पीछे ले जाओ, फिर देखो, मगर क्लियर करो। ठीक है, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है मैंने। तो इस साल का जो लेना बाकी है दैट इज 7,000, और इस साल का जो मिला है दैट इज 265। तो अल्टीमेटली 265 प्लस 7, तो इस साल का हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाता है 2,72,000, हाँ या ना? ठीक है, तो अब मैं सीधे आता हूँ और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के बताता हूँ आपको, तो वो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं हालांकि ये प्रोसेस बता चुका हूँ, मगर ये और अच्छे से आपको आज क्लियर भी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो है ना, यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या रहता है। देखो इसमें रहता है बाय कैश, ठीक है, जितना भी हमको मिला होगा। अभी अभी हमने देखा कि इस साल कितना मिला है, वो चलो देख लेते हैं। इस साल जो भी मिला है, चाहे वो पिछले साल का हो, अगले साल का हो, जो भी हो, सब इधर लिखना है, ठीक है, जब हम अकाउंट बना रहे हैं। तो अब उसके अलावा क्या करना है, ध्यान देना। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, टू जो पिछले साल का होगा, जितना भी पिछले साल का ओपनिंग होगा वो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का जितना भी बाकी था, ठीक है, और टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, अगले साल का और पिछले साल का दोनों अलग कर दिया हमने, और बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर, जो अभी भी लेना बाकी है हमको इस साल, ठीक है, और बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर, पिछले साल इस साल के लिए मिल गया था, ठीक है ना? समझ में आया? अब लॉजिक क्या है एक बार याद दिला देता हूँ आपको मैं। ये हमको जो भी सब्सक्रिप्शन मिला है, जो भी मिला है इस साल का और जोड़ लो, जो पिछले साल इस साल के लिए मिला वो भी जोड़ लो, ये पिछले साल का जो बाकी था वो घटा दो, और ये आपको जो हमें अगले साल के लिए मिल गया है वो भी घटा दो, ठीक है, सिंपल है। तो अब यहाँ पे जब इस तरीके से करना है तो हमको पूरे फिगर्स लेने पड़ेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे 265 नहीं लोगे, आप क्या लोगे, 282 लोगे, क्योंकि वहाँ पे हम फिल्टर लगा ही रहे हैं ना, डबल फिल्टर थोड़ा ना लगाएंगे। यहाँ पे अब जब 282 हम लिखेंगे तो 282 में से ये घटाएंगे ना, ठीक है, तो ये जो घटाने का काम है ना, तो ध्यान रखना ये नहीं लेंगे, ओपनिंग बैलेंस लेना है आपको सब्सक्रिप्शन का, मिला है उससे मतलब नहीं है अभी, किससे मतलब है, ये ओपनिंग बैलेंस से। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, मगर मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आपको जो पैसा मिला है ना 17-18 का, अभी उस पर ध्यान मत दो, आपका जितना ओपनिंग था आप उस पर ध्यान दो। हाँ, अगर ये दिया ही नहीं होता तो हम इसी को ओपनिंग मान लेते, अगर ये दिया नहीं होता तो हम इसी को ओपनिंग मान लेते। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है नहीं यार सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
मगर मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप इसको जरूर समझो, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया तो क्या करोगे, स्किप मत करो। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, सबसे पहले हमने ले लिया बाय कैश जो सब्सक्रिप्शन हमको मिला है, जो भी मिला है। इधर क्या आएगा, इधर आएगा वो पिछले साल वाला, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मिला कितना है, उससे लेना देना नहीं है। तो 20,000 इज द आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे ये 20,000, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का। अब अगले साल का कितना मिल गया है बेटा, ये 5,000, ये अगले साल का 5,000, ये दोनों घटा दिया मैंने। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोल जरूर सकते हैं कि ये 20,000 सर क्यों, यहाँ पे तो कायदे से 282 में 20 थोड़ी ना मिला है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये सारा एडजस्टमेंट मालूम है कैसे हो जाएगा, जब आप आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का देखो कितना दिखा रहा है, 15,000 है ना, ये देखो ये यहाँ पे मैं 15 लिख रहा हूँ, जबकि देखा जाए तो वो 15 है ही नहीं, वो है ही 7,000। तो 7,000 यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं 8,000 सॉरी यहाँ पे 8,000 में ज्यादा लिख रहा हूँ, हाँ या ना, यहाँ पे मैं 8,000 ज्यादा लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैं 8,000 ज्यादा लिख रहा हूँ। क्यों मगर कर रहे हैं सर ये सब काम? अरे भाई आप मेरे को बात बताओ कि अगर मैं 20,000 की बजाय यहाँ पे 12,000 लिखूंगा, ये देखो ये 20 की जगह अगर मैंने यहाँ पे 12 लिख लिया, ठीक है, तो आपका आंसर ही गलत आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है ना 15,000, ये केवल इस साल का नहीं है। आप क्या करते हो, आप जब सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो, आप ये नहीं देखते हो कि केवल इस साल के एंड में कितना बाकी है, आप ये देखते हो कि इस साल का कितना है, क्योंकि ये जो 15,000 आपको दिख रहा है इसमें पिछले साल का भी और इस साल का भी है। तो इसमें ध्यान देना, इसमें 8,000 रुपये पिछले साल का जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी 8,000 रुपये ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर तो यहाँ पे सीधे सीधे 12 लिख दो, यहाँ पे सीधे सीधे 7 लिख दो, अगर ऐसा करेंगे तो चेक करने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आपने किया क्या है। ठीक है, तो क्या करना है, अभी एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात अभी क्या है, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आपको क्या लेना है, सबसे पहले लेना है बेटा बाय कैश। बाय कैश में क्या आएगा, जो भी सब्सक्रिप्शन मिला है पिछले साल का, अगले साल का, इस साल का, सब लिख लो। डेबिट में क्या लिखेंगे बेटा, डेबिट में जो भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था जो कि बैलेंस शीट में था वो लिखना है, और फिर क्या लिखना है, पिछले इस साल अगले साल का जो मिल गया है वो भी लिख दो। तो ये दोनों हो गया। ये क्या लिखना है बेटा, इस साल जितना भी बाकी है पूरा लिख दो, यहाँ पे ये नहीं देखना कि इस साल का कितना है, पिछले साल का कितना है, जितना भी है सारा का सारा लिख दो। और ये क्या लिखेंगे, ये पिछले साल इस साल के लिए कुछ मिला हो, तो क्या पिछले साल इस साल के लिए कुछ मिला है क्या, नहीं मिला है। तो अभी क्या करना है, 282 प्लस 15,000 माइनस 25,000, तो बेटा ये आ जाता है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, 272। मैं कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है ना सबका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के देखो, आपको फिर समझ में आएगा बहुत अच्छे से, कमांड आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो आ गया ना आंसर 272। ये इतना ज्यादा टाइम मैंने सब्सक्रिप्शन में दे दिया, इतनी देर में तो क्वेश्चन हो जाता, मगर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो 272, तो सीधे आ जाते हैं हम, मैं काम करता हूँ यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 272। टू सेवन
ये तो हो गया अब हमारा। हाँ अभी ध्यान देना, अभी ये जो 1920 का है बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी अपीयर होगा, है ना। ये क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी, क्योंकि एडवांस लेके बैठ गए हम लोग, है ना। तो इट विल बी अ लायबिलिटी। लेगेसी बेटा इनकम होती है, गवर्नमेंट ग्रांट किसी पर्पस के लिए नहीं है तो इनकम होगा, पर्पस के लिए होता तो बैलेंस शीट में चला जाता। हाँ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बेटा, अभी ध्यान दो, ये देखो हमारे पास 1,20,000 का फर्नीचर था, है ना, जिसमें से हमने 50,000 का फर्नीचर बेच दिया है 37,000 में। तो दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, दो तीन चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे मैं ये टिक कर दे रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमको फर्नीचर जब लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने फर्नीचर बेचा है, ठीक है। तो बहुत सारी मतलब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल प्लेसेस पे इनको हमें लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी लिखना है, ओपनिंग क्लोजिंग सबका ध्यान देना है। और यहाँ पे साथ ही साथ क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 13,000 का। ये हमारा किधर आ जाएगा? ये हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,500। तो जब कभी भी इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह हो ना, सीधे देख लिया करो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कोई इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है क्या, या फिर पेमेंट साइड देख लिया करो, आदत में डालो इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाय फिक्स डिपॉजिट विद बैंक दिख रहा है आपको, ये फिक्स डिपॉजिट है ये, क्योंकि इसमें क्या करते हैं ये लोग आमतौर पे एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट दे देते हैं, और यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट तो दिखते हैं, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट आपको दिखता ही नहीं है। तो देखो क्या है, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक दिख रहा है आपको 1,80,000, हाँ 1,80,000, इस पर 10% आपको इंटरेस्ट मिलना है। तो बेटा 10% कितना होता है? 18,000 होता है पूरे साल का। क्या पूरे साल इन्वेस्टमेंट है हमारा? नहीं बेटा, ये 30 सितंबर दिख रहा है। अभी क्या चल रहा है, ये हम कब बना रहे हैं? ये बना रहे हैं 31 मार्च। तो कितने महीने का इंटरेस्ट हमने अक्रू कर लिया है? तो सर यहाँ पे हमने कर लिया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। वेरी गुड। तो 6 महीने का बेटा 1,80,000 का 10% होता है 18,000 पूरे साल का। तो 6 महीने का हो जाएगा बेटा कितना? 9,000। तो 9,000 हमें इंटरेस्ट जो है मिलना चाहिए, मगर मिला है 4,500। इसका मतलब ये है कि 4,500 आपका अक्रूड इंटरेस्ट है। तो हम यहाँ पे जब इनकम में लिखेंगे ना बेटा, तो ये 4,500 नहीं, 45 + 45, क्योंकि अंत तो 9,000 किया है, तो 9,000 ही लिखा जाएगा। ये अक्रूड इंटरेस्ट ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी अपीयर होगा, बिकॉज इट इज़ अवर एसेट। तो सब ध्यान देना पड़ता है कि भाई इनकम में भी आएगा, तो यहाँ पे मैं इनकम भी लिख दे रहा हूँ और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब जनरल एक्सपेंसेस फटाफट यहाँ बताओ कहाँ पे आएगा। एक्सपेंस में न्यूज़पेपर बोलो, एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी बोलो, एक्सपेंस में बुक्स बोलो। बुक्स कुछ बुक्स याद आया क्या कुछ? हाँ सर कुछ तो याद आया। ये देखो हमारे पास 50,000 की बुक्स थी, हमने 70,000 की बुक्स और खरीद ली, तो यहाँ पे मैं निशान लगा दे रहा हूँ, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। निशान इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी बुक्स हैं। तो 50 की हमारे पास ऑलरेडी थी, 70 की हमने और खरीदी, तो 1,20,000 आ जाएगा बुक्स में, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, ये निशान लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। ये ओहो फर्नीचर से भी कुछ याद आ रहा है क्या? ये देखो तो फर्नीचर 1,20,000 का था, 50,000 का बेच दिया और हमने और खरीदा 1,05,000 का। तो उसका मतलब है फर्नीचर में भी कुछ ना कुछ है। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी है हमारे पास, ठीक है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है आप बताओ? सबसे पहले सर ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 31st बोलो क्या? मार्च 2000
सर 18 बिल्कुल सही। तो बेटा ये एसेट्स इस तरफ होते हैं, लायबिलिटीज इस तरफ होती हैं। सर मालूम है आप मत बताओ। हाँ हाँ बेटा ये लो अमाउंट, ये लो अमाउंट। ठीक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले आपको कैश दिख ही रहा है, दिख रहा है कैश? कैश सर बिल्कुल दिख रहा है, कैश है हमारे पास 40,000 बिल्कुल सही। उसके बाद बैंक भी है सर हमारे पास, बैंक है 155,500। ठीक है उसके बाद क्या 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 है? चलो ओपनिंग 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 में इस तरफ कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। चलो रेसिट एंड पेमेंट में दो ही जगह मेरे को दिख रहा था, वो हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 20,000। ठीक है उसके बाद ओपनिंग ओपनिंग ये है बेटा, फर्नीचर है हमारे पास, फर्नीचर हमारे पास था 1,20,000 का। उसके बाद हमारे पास बुक्स भी हैं, कितने की हैं बेटा? 50,000 रुपये की हैं। और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर कुछ नहीं दिख रहा है, सब हो गया। चलो टोटल करते हैं, प्लस 20,000, 120,050। तो बेटा ये आ जाता है 385,500। ये बेटा कैपिटल फंड सही है हमारा, तो दिस इज अवर कैपिटल फंड। ये टोटल यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है, ठीक है ना? टोटल हमको दोनों तरफ 385,500 एंड दिस साइड ऑल्सो 385,500। ठीक है अब आते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, फटाफट बिल्कुल लिखते जाते हैं हम। लेगेसी लिखना है 12,500, तो चलो बाय लेगेसी 12,500। ठीक है लेगेसी हो गया। ये गवर्नमेंट ग्रांट है 1,20,000 बाय गवर्नमेंट ग्रांट, कितना था? 1,20,000, 1,20। ठीक है और उसके बाद लॉस दिख रहा है आप सबको 13,000 का, 50,000 नहीं दिख रहा है। देखो 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 ये सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है 50,000 का, 37 में बेचा। ठीक है तो लॉस 13,000, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक है हाँ अब आ जाओ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 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 कितना है? 4,500 नहीं है, 9,000 है। तो ये मैं लिखता हूँ बाय इंटरेस्ट कितना? 9,000। चलो ये 9,000 हो गया। चलो एक्सपेंस साइड आ जाते हैं हम, 32,000 जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 32,000। ठीक है उसके बाद है न्यूज़पेपर 18,500, 18,500 न्यूज़पेपर। इलेक्ट्रिसिटी 30,000, 30,000 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है अब और क्या है? बुक्स तो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी, हाँ अब सैलरी में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट था क्या? तभी निशान लगा हुआ है ना, याद आ जाता है आपको तुरंत। देखो यहाँ पे सैलरी में क्या लिखा है, हाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000, तो इसका मतलब है 36,000 दिया है और 6,000 अभी भी देना बाकी है, तो कितनी हो जाती है बेटा? 42,000। तो सैलरी 36,000 प्लस 6,000 दैट इज 42,000। ठीक है सैलरी रेंट में भी कुछ ना कुछ है, 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, तो
तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो 65 दिख रहा है ना, ये 13 महीने का है, 13 मंथ का है, क्योंकि 1 महीना एडवांस दिया है। तो डिवाइडेड बाय 13, तो 5,000 रुपये इसमें एडवांस है बेटा। तो अभी क्या करते हैं मालूम है आपको, एक चीज़ यहाँ पे प्रीपेड है ना बेटा, तो ये ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा रेंट 65,000 -5,000, तो ये हो जाता है 60,000, ठीक है। रेंट भी हो गया, उसके बाद पोस्टेज चार्जेस है 3,000, पोस्टेज चार्जेस, फर्नीचर हो गया मेरे ख्याल से, अब हमारा कंप्लीट है। चलो देखते हैं फटाफट, 10, 12, 500 प्लस 1,20,000, 9,000, ये बेटा आ रहा है 2,15,000 सरप्लस, और टोटल आ रहा था 413,500, 413,500। तो एक बार देख लेते हैं हम, 215,000 सरप्लस हो गया, ठीक है, तो डन है। अब क्या करना है, अब बैलेंस शीट बनानी है सर। बैलेंस शीट बनाएंगे तभी सेटिस्फेक्शन होगा, टैली होने के बाद। एस एट 31 मार्च 2019, तो ये हो गई आपकी लायबिलिटी, ठीक है, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। हाँ, अब क्या क्या लिखना है, तो आते जाओ फटाफट, अपन शुरुआत यहीं से करते हैं। ये सबसे पहले मेरे को दिख रहा है, ये आपकी लायबिलिटी है 5,000 रुपये। तो उससे भी पहले एक काम करते हैं हम, पहले कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल फंड कितना आया था, 385,500, ठीक है ना। तो 385,500, और इसमें हम सरप्लस भी जोड़ लेते हैं, कितना है, 215,000 जोड़ लेते हैं इसको 385,500, तो आ रहा है 600,600,500, ठीक है। ये हो गया, सरप्लस भी हो गया, कैपिटल फंड हो गया। अभी मैंने क्या बताया था, सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना मिला था देख लो जरा, ये है 5,000, ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। हाँ, अब आगे आओ, हाँ, ये हो गया। हाँ, ये देख सकते हो, ये एक हमारा अक्रूड इंटरेस्ट एक एसेट है, तो वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, अक्रूड इंटरेस्ट 4,500, ठीक है ना, याद है ना वो। उसके बाद इधर आ जाते हैं, तो इधर आप देखो, हाँ चलो सबसे पहले आ जाओ, ये आपका फिक्स डिपॉजिट विद बैंक है 1,80,000, तो यहाँ आ जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट 1,80,000, उसका इंटरेस्ट जो है वो अपन ने ऊपर लिख दिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, हाँ, फिर आते हैं हम बुक्स पे। बुक्स में यहाँ पे आप देख सकते हो ये टिक लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि 70,000 की हमने जो खरीदी है उससे पहले हमारे पास थी कितने की, 50,000, तो हमारी टोटल बुक्स हो जाती है 1,20,000, ठीक है। तो बुक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 50,000 की थी प्लस 70,000 की हमने और खरीद ली, तो हो जाता है 1,20,000। फिर आइए, हाँ अब फिर चलो ये सैलरी का नीचे अपन देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है रेंट का, क्योंकि इसमें भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लिख लेते हैं। चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी है और यहाँ पे प्रीपेड रेंट है, तो
आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी हो गई, यहाँ पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 6,000, ठीक है। और प्रीपेड रेंट भी हमने देखा था, प्रीपेड रेंट कितना 5,000, ये दोनों चीज़ें हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हाँ फर्नीचर। अब फर्नीचर अगेन थोड़ा सा आप ध्यान देना बेटा, फर्नीचर यहाँ पे मैं वर्किंग आपको बता देता हूँ। फर्नीचर हमारे पास था 1,20,000 का, ठीक है, ये आपने बेच दिया था कितने का, 50,000 का, और फिर आपने खरीद लिया 1,05,000 का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 एंड मेरे ख्याल से 1,75,000, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। हाँ तो हमारे पास फर्नीचर बेटा हो जाता है 1,75,000। तो यहाँ पे फर्नीचर बेटा जगह में इनको कम है, मगर आपको यहाँ पे वर्किंग दिखानी चाहिए। हमारे पास था 1,20,000 का, ठीक है, 1,20,000 का था, और फिर उसके बाद हमने बेच दिया 50,000 का, और हमने फिर खरीद लिया कितने का, 1,05,000 का, ठीक है, प्लस 1,05,000। ये वर्किंग देना ज़रूरी है कि आया कहाँ से, ठीक है। चलो फर्नीचर भी हो गया, अब कहाँ आना है हमको, हाँ ये कैश है आपके पास 30 एंड 82, तो कैश और बैंक, ठीक है, 30 एंड 82, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक एसेट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, है ना, सील लिखा है हमने ऑलरेडी, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हो गया 15,000, और ये दोनों हम लिख चुके हैं, है ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रेंट भी लिख चुके हैं, और बुक्स भी हो गया, सब हो गया मेरे ख्याल से, अब सब कुछ हो गया, बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए। लेट्स सी, 1,80,000, 1,20,000, 5,000, 1,75,000, 30,000, 82,000 प्लस 15,000, ये बेटा आ रहा है 611,500, इस तरफ का भी देखते हैं, प्लस 11,000, हाँ इस तरफ का भी टोटल आ रहा है 611,500, ठीक है। तो ये तो बेटा मैं ये कहूँगा कि खुद से यही क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन खुद से एक बार करके देखो, बहुत ज़रूरी है खुद से ट्राई करना, केवल लेक्चर देख देख के आप बोलो कि सब बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक अच्छे से कमांड आने वाली नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।